नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का जो जनरल फार्मूला है क्या है, CnH2n+2। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, CH4। इसको क्या बोलते हो, मेथेन बोलते हैं। n बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, CH4 मेथेन मिलेगा। हमको क्या करना है, इस एल्केन से हमको क्या प्राप्त करना है, हेलो एल्केन। तो जनरल फार्मूला इसका CnH2n+2। अब क्या करेंगे, इसमें से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, CnH2n+2 से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे और हैलोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। 2n+1 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहां से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं। तो CnH2n+1 हो गया और क्या कर रहा है, हैलोजन को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा है एल्केन है, ये क्या है तुम्हारा एल्केन है, और ये क्या बन रहा है, हेलो एल्केन। इसको क्या बोलोगे, हेलो एल्केन। अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं और एक हैलोजन ग्रुप को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। अगर मान लीजिए हेलो एल्केन में हम क्या करते हैं, एन बराबर अगर 1 लेते हो तुम तो क्या पाओगे, CH3X। इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन बेसिकली हमारा क्या है, मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन है और इससे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है। इसमें हमको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को निकाल दो और हाइड्रोजन को जोड़ दो तो क्या मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो हमने क्या देखा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। अगर n बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, मेथेन मिलेगा। तो इसी एल्केन के फार्मूले से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन मिलता है हमको, हेलो एल्केन मिलता है। अगर हम एन बराबर 1 रखते हैं तो CH3X मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स तुम्हारा हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, हो सकता है BR, हो सकता है RE, हो सकता है एक्स, हो सकता है तुम्हारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसको नोट कीजिए, अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो हेडिंग लगाओ, हेलो एल्केनो का वर्गीकरण, हेलो एल्केनो का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। बात किसी करेंगे, हेलो एल्केनो का वर्गीकरण की बात करेंगे। इसमें पहला क्या है, पहला हाइड्रोजन परमाणुओं, हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर। हम बात करेंगे हेलो एल्केनो के वर्गीकरण की बात करेंगे, तो पहला हमारा क्या है, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पे। तो आइए बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एल्केन है, इस एल्केन से क्या है, हम जोड़े हैं हाइड्रोजन जोड़े हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक। अगर एक हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन, इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसका नाम क्या है, मोनो हेलो एल्केन। अब हम क्या करते हैं, हमारा एल्केन है, अब क्या करो, क्या सी है, इसे क्या हमारा एक है, हाइड्रोजन जुड़ा है,
इसी से क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो दो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे हम, दो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, दो के लिए क्या लिखते हैं, डाई लिखेंगे। तो इसको क्या लिखोगे, डाई हैलो एल्केन लिखोगे। दो के लिए क्या लिखेंगे, डाई हैलो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक हमारा क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप का कोई एक एलिमेंट होगा। तीसरी बात कर लो, CH2 X अब हमारे पास हाइड्रोजन समूह कितने हैं, तीन हैं। तो तीन के लिए क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे। तो लिख लो इसको, ट्राई हैलो एल्केन, इसको क्या लिखोगे, ट्राई हैलो एल्केन। इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे एरिन की, बात करेंगे, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन है। अगर इससे कितना है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको क्या बोलोगे, मोनो हैलो एरिन बोलेंगे इसको। एरिन क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, हम एरिन बोलते हैं। अगर मान लो बेंजीन रिंग से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो हैं, एक एक्स ऊपर जोड़ दिया, एक एक्स इस साइड में जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डाई हैलो एरिन बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, डाई हैलो एरिन बोलेंगे। मान लो एक और रिंग ले लो, अब हम यहां पे क्या करेंगे, तीन हाइड्रोजन ग्रुप को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक के लिए क्या लिखते हैं, मोनो, दो के लिए क्या लिखते हैं, डाई, और तीन के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई। तो इसको लिख लो ट्राई, ट्राई हैलो एरिन लिख लो इसको, ट्राई हैलो एरिन। मिटाते हैं इसको, अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं, मोनो, मोनो हैलो, दो रहेगा तो डाई हैलो, तीन होगा तो ट्राई हैलो। अगर एल्केन से है, एल्केन से जुड़ा है तो मोनो हैलो एल्केन बोलोगे, बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो मोनो हैलो एरिन बोलोगे। अब हम बात करते हैं किसकी, केस नंबर टू की बात करते हैं। इसमें लिखो, जब कार्बन परमाणु sp3 संकरित हो, जब कार्बन परमाणु क्या हो, sp3 संकरित हो, इसका मतलब क्या, इसको आइए समझते हैं। अगर कार्बन जो है, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसको देखिए, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4। अगर कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसका संकरण क्या होगा, संकरण अवस्था, इसका संकरण अवस्था होगा sp3 होगा। तो हम बात क्या करेंगे, जब कार्बन परमाणु sp3 संकरित हो, तो उस केस की बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अगर कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो उसका संकरण अवस्था क्या होगा, sp3। तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, sp2। तीन सिग्मा कैसे बनाएगा, इस तरीके से, 1 2 एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन को जो संकर अवस्था है क्या है, sp2 है। 1 2 3 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 ये तो पाई है, 1 2 3 थ्री सिग्मा तो sp2, और दो सिग्मा होगा तो क्या होगा, sp। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, जब कार्बन परमाणु sp3 संकरित हो, इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। बात किसी कारण, जब कार्बन परमाणु sp3 संकरित हो, तो यहां पे लिखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब देखिए, हमारे पास क्या है, कार्बन है,
कार्बन है इससे क्या है हेलोजन ग्रुप जुड़ा, इसको क्या बोलेंगे वन डिग्री क्या बोलोगे वन डिग्री एल्किल हैलाइड, वन डिग्री एल्किल हैलाइड बोलोगे इसको, ये वन डिग्री एल्किल हैलाइड है। वन डिग्री क्यों बोलते हैं, अगर एक कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो इसको क्या बोलोगे वन डिग्री, ये भी वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री है, अगर एक कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे वन डिग्री बोलते हैं। अब देखो अगर एक कार्बन अटैच है तो उसको वन डिग्री बोलोगे, और इसी कार्बन से कार्बन और अटैच हो जाएगा तो ये बीच वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, दो कार्बन जुड़े हैं, तो दो कार्बन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा अभी ये टू डिग्री हो गया और ये वन डिग्री हो गया। अब अगर इसी कार्बन से हम क्या करते हैं एक कार्बन और जोड़ दें, अब कितने कार्बन जुड़ गए इससे, तीन कार्बन जुड़ गए तो क्या हो जाएगा थर्ड डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे देखिए अगर वन डिग्री वाले कार्बन से अगर हम हैलाइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये वन डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, अगर थर्ड डिग्री वाले से जोड़ोगे यहां पर अगर हम मान लो एक्स जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा थर्ड डिग्री हैलाइड हो जाएगा। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं, ये वन डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, अब यहां पे क्या सी, अब देखो एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़ गए दो कार्बन, तो इस एक कार्बन का डिग्री क्या है टू डिग्री, यहां से क्या भी जोड़ दो एक्स जोड़ दो, इसको क्या बोलेंगे टू डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे इसको। अब देखो अब किसकी बात करेंगे हम तृतीयक की, तृतीयक कैसे होगा, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, इसी से एक कार्बन और जोड़ दो, इस कार्बन की डिग्री क्या है थर्ड डिग्री है, इसी से क्या कर दो एक एक्स जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं अगर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो उसको वन डिग्री बोलोगे, एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं तो उसको टू डिग्री बोलते हैं, और एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हैं तो उसको क्या बोलते हैं थर्ड डिग्री बोलते हैं। अगर वन डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलोगे वन डिग्री एल्किल हैलाइड, टू डिग्री वाले से जुड़ेगा तो उसको टू डिग्री एल्किल हैलाइड, और थर्ड डिग्री वाले कार्बन से जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखो इस कार्बन का संकरण अवस्था क्या है sp3 है, क्यों एक बॉन्ड टू बॉन्ड तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन छिपा है तो उससे क्या है ये चार बॉन्ड बना रहा है, यहां पर भी क्या है चार बॉन्ड है तो इसका भी संकर अवस्था क्या है sp3 है, इस कार्बन का भी संकर अवस्था क्या है sp3 है, इसको नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं केस नंबर थर्ड की बात करते हैं, लिखो sp3 संकरण युक्त कार्बन, यहां पर भी कार्बन sp3 है और यहां पर भी क्या कार्बन sp3 है, तो इसमें बात हम करते हैं हमारे पास क्या है कार्बन है, कार्बन क्या है बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, इसको मिटाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है और इसी से क्या है एक कार्बन अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इससे क्या है सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच है और इसी कार्बन से क्या है हमारा हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन संकर अवस्था क्या है sp3 है, तो इसको क्या बोलते हो इसका नाम है वन डिग्री एलिलिक हैलाइड है, इसको वन डिग्री एलिलिक बोलते हैं। देखो वो इसको क्या बोलोगे वन डिग्री, क्यों क्योंकि एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच है वन कार्बन अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वन डिग्री एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। अब देखो कार्बन है कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना लो और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एलिलिक कार्बन, क्या बोलते हैं इसको एलिलिक कार्बन बोलते हैं। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, एक कार्बन और बना दो इससे क्या जोड़ दो हाइड्रोजन जोड़ दो, अभी तो क्या है वन डिग्री है इसी से कार्बन और जोड़ दो, अब क्या देखो एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़ गए दो कार्बन जुड़ गए
इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री, ये हो जाएगा एलिलिक हैलाइड, 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड हो गया। और इस कार्बन का संकरण अवस्था क्या है, इसका भी क्या है, sp3 है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड डिग्री की, कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या कर दो, एक कार्बन जोड़ दो, वेरी सिंपल, इस कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दो, और इसको अभी क्या, अभी इस एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन, तो इसको एक कार्बन और जोड़ दो, अब ये क्या हो गया, थर्ड डिग्री हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री एलिलिक एलिलिक हैलाइड इसको बोलेंगे, थर्ड डिग्री एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ेगा तो उस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री, और एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ेंगे तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री, और एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड बोलोगे, और 2 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड बोलोगे, और 3 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा तो उसको क्या बोलोगे, 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। इस कार्बन का भी संकरण अवस्था क्या है, इसका भी संकरण अवस्था क्या है, sp3 है। sp3 क्यों है, क्योंकि देख लो 1 2 3 4 चार सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण अवस्था क्या होगा, sp3 होगा, इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसको क्या बना लो, 4। इसमें भी हम किसकी बात करेंगे, sp3 संकरित कार्बन की बात करेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन ग्रुप किससे जुड़ेगा, बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। आइए इसकी बात कर लेते हैं, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो तो 2 डिग्री, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो तो 3 डिग्री, और 3 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और 2 डिग्री से जुड़ेगा तो 2 डिग्री बोलोगे हैलाइड, और 1 डिग्री से जुड़ेगा तो 1 डिग्री हैलाइड, वेरी सिंपल। तो हम बात करेंगे sp3 संकरण युक्त कार्बन की बात करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, देख लो एक कार्बन है एक कार्बन है, तो इसका जो संकरण अवस्था है क्या है, sp3 है बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बेंजीलिक, 1 डिग्री बेंजीलिक बोलोगे इसको, हैलाइड है तो 1 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड बोलोगे। अब देखो बेंजीन रिंग बना लिए, बेंजीन रिंग बना लिए, यहां से क्या है, कार्बन है, अभी देखो एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री है, क्या करो एक कार्बन और बना दो, तो क्या हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। अब देख लो इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा है, 2 कार्बन हो गया, तो 2 डिग्री हो गए, तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, इसको बोलोगे 2 डिग्री बेंजीलिक बोलते हैं। अब देखो अब हम क्या बनाते हैं, बेंजीन रिंग फिर से एक बनाते हैं, बेंजीन रिंग बना लिया, इधर से देखो अभी तो ये 1 डिग्री है, अब कितना बन गया, देखो 1 कार्बन से एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, अब क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गए, ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री, इसको क्या बोलोगे, 3 डिग्री बेंजीलिक, 3 डिग्री बेंजीलिक हो गए, 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। अगर नहीं तुमको समझ में आ रहा है तो क्या है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो और यहां से क्या है, कार्बन जुड़ गया है, और इसी कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ गया, इसी का तो डायग्राम बनाए हैं। अब मान लो ये क्या है, 1 डिग्री है, अभी क्या है, 1 डिग्री है, अब देखो अगर हमें यहां से एक कार्बन और क्या करें, जोड़ देते, क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है, इसी से एक कार्बन और जोड़ दो तुम, वो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री, ये 3 डिग्री का स्ट्रक्चर ये है, इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे केस नंबर 5 की बात करेंगे, केस नंबर 5 sp2 संकरण युक्त कार्बन। अब इसमें जो कार्बन एटम हमारा होगा, कार्बन इसका जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगा, संकरण अवस्था क्या होगा, sp2 होगा, हम उसकी बात
करेंगे। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बेंजीलिक कार्बन बोलते हैं, बेंजीलिक कार्बन बोलते हैं। तो हम बात करेंगे sp2 संकरण युक्त कार्बन की बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, सी है, सी डबल बॉन्ड सी है, इससे क्या है, हाइलोजन जुड़ा है। सी डबल बॉन्ड सी से क्या है, हाइलोजन जुड़ा है। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो संकर अवस्था क्या होगा, sp2 होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, नाम क्या होता है, वाइनिलिक हैलाइड। इसका नाम क्या है, वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं इसको। अगर कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या जुड़ा हो, हाइलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड बोलेंगे। ये भी एग्जांपल में लिख सकते हो तुम। ये क्या है, 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर क्या है, रिंग है। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमको क्या करना, सिंपली यहां से एक्स जोड़ देना। ये भी क्या है, वाइनिलिक हैलाइड है। काम और तुम कर सकते हो, ये क्या बना लो, बेंजीन रिंग बना लो। अब देखो ये क्या डबल बॉन्ड है, इस कार्बन भी डबल बॉन्ड है, यहां से क्या जोड़ दो, एक्स जोड़ दो। इसको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, एरिल हैलाइड बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है, एरिल हैलाइड बोलते हैं। इसको नोट कीजिए, इसमें क्या है, इसका संकर अवस्था क्या है। अब देखो इस कार्बन का संकर अवस्था क्या है, sp2 है। इस कार्बन का भी संकर अवस्था क्या है, sp2 है। ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 3rd है। तो हम एल्किल हैलाइडों के कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, क्या है, कार्बन, और इसी कार्बन से क्या है, दो हैलाइड ग्रुप क्या है, जुड़े हैं। तो जब एक ही प्रकार के दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, कार्बन है, कार्बन बॉन्ड कितना, 4 बॉन्ड बनाता है, और एक ही कार्बन से कितने हैलोजन ग्रुप जुड़े हैं, 2 हैलोजन, और ये दोनों हैलोजन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर एक क्लोरीन है तो क्लोरीन होने चाहिए दोनों हैलोजन, ब्रोमीन है तो दोनों ब्रोमीन होने चाहिए, आयोडीन है तो दोनों आयोडीन होने चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जेम बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। जब एक ही कार्बन से दो समान हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, अथवा जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। और इनका सामान्य नाम क्या है, इनका सामान्य नाम एल्किलीडिंग हैलाइड होता है। एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो क्या है, कार्बन है, एक कार्बन, इसी कार्बन से क्या है, क्लोरीन जुड़ा है। एक ही कार्बन से क्या है, दो समान हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, जुड़े हैं। तो दो कार्बन यहाँ पे, इसका सामान्य नाम क्या है, एल्किलीडीन है। तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो इसको क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथी। देखो एल्की तो एथी ली एथिलीडीन, हैलाइड क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जेम डाई हैलाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, क्लोराइड है, तो क्या लिख लो, क्लोराइड लिख लो। तो हमने क्या देखा, अगर एक ही कार्बन से दो समान हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड बोलेंगे या जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, एल्किलीन हैलाइड होता है। तो एग्जाम्पल ले लिया हम, क्या है, ये कार्बन, कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ लिखोगे। तो इसका सामान्य नाम क्या है, एल्किलीडीन है, तो क्या हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, जब दो कार्बन हो और इनसे क्या हो, अलग अलग हाइड्रोजन ग्रुप, ये दो हाइड्रोजन ग्रुप के हमारे सेम हो
लेकिन एक अटैच किससे हो, ये दो सटे हुए कार्बन से अटैच हो। अब उसकी बात करेंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम पार्ट टू की बात करते हैं। पार्ट टू हमारा क्या है, यदि हाइड्रोजन परमाणु श्रृंखला के दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, विशनल हैलाइड कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे कार्बन है और ये क्या है, कार्बन है, दो कार्बन है, ये दोनों क्या है, निकटवर्ती कार्बन है, और इसी कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप हमारा अटैच है, इसको क्या बोलेंगे, विशनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विशनल, विशनल हैलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विशनल हैलाइड बोलते हैं, विशनल हैलाइड बोलते हैं। दो निकटवर्ती कार्बन से जब समान हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा तो उसको क्या बोलोगे, विशनल हैलाइड बोलोगे, और इसका सामान्य नाम क्या होता है, एल्किलीन डाइहैलाइड होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, इसे क्या जोड़ लो, क्लोरीन जोड़ लो, ठीक है। दो निकटवर्ती कार्बन है और इससे हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा है और उसका नाम क्या है, क्लोरीन है, तो इसके क्या बोलोगे, देखो एल्किलीन होता है तो इसको क्या बोलोगे तुम, एथिलीन। एथिलीन क्यों, दो कार्बन के लिए एथ लिखते हो तो क्या होगा, एथिलीन होगा, एथिलीन डाई, डाई लिखो हैलाइड है तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ये एथिलीन डाई क्लोराइड हो जाएगा, लिखो इसको। तो हम और भी क्या बोलते हैं इसको, विश और विशी, विश और विशनल भी इसको बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको करना क्या, क्वेश्चन दिया हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों को क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो हमको क्वेश्चन कितने दिए, 5 क्वेश्चन है, उसमें हमको क्या बताना है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइड जो हैलाइड ग्रुप है हमारा, हाइड्रोजन जो है, वो हाइड्रोजन कौन से कार्बन से अटैच है। तो देखो पहले, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, कार्बन को देखेंगे। अब देखो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री बोलेंगे। अगर एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री बोलोगे, इसलिए क्या होगा, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, ये क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, क्लोरीन है। अब देखो क्लोरीन कौन से कार्बन से जुड़ा है, अब देखो क्लोरीन है यहाँ पर, ये क्लोरीन कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से, 1 और 2, दो कार्बन से जुड़ा है तो क्या होगा, 2 डिग्री होगा। अगर 2 डिग्री है तो इसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा, ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री, तो इसको भी क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, क्लोरीन है, एक क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलोगे, 2 डिग्री क्या है, एल्किल हैलाइड हो जाएगा ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, क्लोरीन है, अब देखो क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, ये हमारा क्या है, कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पे है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, 3rd डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलोगे, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे, इसको क्या बोलोगे, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे, इसको 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो हमको इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है और उसके बाद देखेंगे वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है। अगर एक कार्बन, जैसे एक कार्बन जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और यहाँ पे एक कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है उसको 3rd डिग्री, और 3rd डिग्री कार्बन से अगर क्लोरीन जुड़ा होगा तो उसको 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।